हाँ, किसी को बहुत कुछ पूछना है, बतलाइए ग्रेटेस्ट इंटीजर वगैरह के बारे में क्या कुछ पूछना है। किसका किसका ग्राफ था पहला क्वेश्चन, क्या था? एक्स प्लस वन ना? हाँ, इसका तो ग्राफ ऑलमोस्ट सबने प्लॉट कर लिया होगा ना, कराना है किसी को डाउट है तो आप पूछ लीजिए। ऐसा कोई भी स्टूडेंट जिसको डाउट है पूछना है। किसी को नहीं? सर को क्वेश्चन सॉल्व करा दिए सर। ये वाला यस सर। ठीक, यस सर। देखिए इसका रो एक्स स्क्वायर वाला भी। हाँ फिर से बोलिए। एक्स स्क्वायर वाला भी जीआईएफ ऑफ एक्स स्क्वायर। उसका ग्राफ सर थोड़ा ओके कुछ ओके, इसका नहीं कराना, यही ना, ये कराना है क्या? जी सर, ये ना करा दीजिए। ठीक, देखिए मैं बार बार कह रहा हूं कि चीजों को आप जीरो से कनेक्ट कीजिए। पहले आप ये सोचिए कि आप जानते क्या हो, अब ये आदत डालिए, नहीं डालिएगा तो आगे दिक्कत होगी, ठीक है ना। हर चीज को आप जीरो से कनेक्ट कीजिएगा ना, तो हो सकता है कि फेब्रुअरी तक ही आप इंडिपेंडेंट हो जाओ। मैं केवल डिफिनेशन बतला रहा हूं, आप क्वेश्चन खुद से करने लगो, ये मैक्सिमम पॉसिबिलिटी है। तो लेकिन उसको जीरो से बार बार कनेक्ट होने चाहिए, ठीक है। तो अब ये सोचिए कि हमें ये करना है, ठीक है ना, ये हमारे पास क्वेश्चन था। अब हमें क्या सोचना है, हमारे पास क्या है, हमारे पास क्या जामा पूंजी है। तो हम क्या जानते हैं कि अच्छा ग्रेटेस्ट इंटीजर हम ऐसा जानते हैं, लेकिन क्या आ गया, इसका स्क्वायर आ गया था। अब कैसे करें? तो कोई बात नहीं, हमें ये आता है ना, हमें ये आता है, तो हम इसको क्या ले लेंगे, इसको कैपिटल एक्स से रिप्लेस कर लेंगे, वेयर कैपिटल एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर। हो गया। अब इसको आपने ब्रेक किया था ना कल। अब मुझे ये बताइए बाबू कि यह कभी एक्स निगेटिव हो सकता है क्या? जैसे यहां पर मैं जब एक्स लिया था कल वाले क्लास में, तो वहां पर एक्स निगेटिव भी हो सकता है, क्योंकि सिंपल एक्स है ना, एक्स पॉजिटिव, क्योंकि मैं एक्स पर कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं लगाया था, यह फ्री था, फ्री था, यानी कोई भी रियल नंबर चूज कर सकता था मैं यहां। क्या मैं यहां पर कोई भी रियल नंबर चूज कर सकता हूं? नहीं ना, मैं फ्री नहीं हूं ना। क्यों? क्योंकि मैं एक्स कैपिटल एक्स को एक्स स्क्वायर से रिप्लेस कर रखा हूं। देखिए कैसे वन बाय वन सोचना है, बिल्कुल वन बाय वन सोचिए, बिल्कुल जीरो से। और क्वेश्चन टफ कब बनता है? क्वेश्चन टफ तब बनता है जब आईआईटी डिफिनीशन पर अटैक करता है। यदि वो डिफिनीशन पर अटैक ना करे तो क्वेश्चन डिफिकल्ट नहीं बनते, लेकिन वो जैसे कॉन्सेप्ट डिफिनीशन के डीप में जाने की कोशिश करता है तब जाकर के क्वेश्चंस का लेवल बढ़ता है, क्योंकि डिफिनीशन के डीप में जाकर के शायद ही कोई पढ़ता है या शायद ही कोई पढ़ाता है, क्योंकि उसको पढ़ाने में बहुत ज्यादा एनर्जी की जरूरत होती है। और आपको भी उस चीज को समझने के लिए आपके पास बहुत ज्यादा पेशेंस की जरूरत होती है, तो आपको सरस्वती माँ पेशेंस भी दे, क्योंकि आपको पेशेंस की बहुत जरूरत है, और मैथमेटिक्स में तो इसकी है ही है जरूरत। घड़ी देख करके मैथमेटिक्स नहीं सीखा जाता है, उसके लिए पेशेंस चाहिए। आप क्वेश्चंस पर यदि लग रहा है कि एक घंटा देना चाहिए, तो आप एक घंटे भी एक क्वेश्चन पर दे सकते हो, 24 आवर भी लगातार दे सकते हो। मैं अपनी बतला दूं तो मैं एक क्वेश्चन पर अभी तक मैक्सिमम 17 से 18 आवर दिया हूं, 17 से 18 आवर लगातार दिया हूं, और जाकर के 18 आवर्स के बाद वो क्वेश्चन सॉल्व हुआ है। तो आपके पास पेशेंस होना चाहिए, यानी सीखने का जुनून होना चाहिए, ठीक है ना। तो देखिए कैपिटल, यह मैं कैपिटल एक्स को, यह चूंकि मैंने इसको रिप्लेस कर दिया, तब रिप्लेस किया तो अब सोचना होगा कि यार पहले वाले एक्स में ना वो फ्री था, लेकिन यहां पर चलो मान लो कि आप फ्री नहीं भी हो, सपोज दैट मैंने ये नहीं, हम स्टार्टिंग में नहीं सोच पाए, हमने केवल ऐसा रिप्लेस कर दिया, और जैसे हम पहले ब्रेक करते थे, हम पहले वैसे ही ब्रेक करते, क्योंकि मुझे आगे का दिख रहा है ना, इसलिए मैंने बोल दिया। सपोज दैट आपके स्टेज पर मैं खड़ा हो जाऊं, जिस कंडीशन में आप हो वहां पर मैं अपने आप को मींस लेकर के आता हूं, ठीक है, और आपने जैसे रिप्लेस किया मैंने भी कर दिया, जैसे कि मैंने बतलाया था, हो गया। अब मैं आपको क्या बतलाया कि हम निगेटिव से स्टार्ट करेंगे, तो एक मैं निगेटिव वाला टर्म ले लेता हूं, ठीक है, तो यह माइनस वन होगा, फिर एक्स लाइज बिटवीन दिस, सही है ना? यस सर। फिर यह जीरो होगा, फिर एक्स लाइज बिटवीन दिस, ये भी सही है,
फिर यह वन होगा, यानी मैं केवल डिफिनीशन लिख रहा हूं, देखो मैं कुछ भी नहीं कर रहा, बस मैं डिफिनीशन लिख रहा हूं। आपसे क्वेश्चन इसलिए नहीं हो रहा है क्योंकि आप डायरेक्ट ग्राफ देखने की कोशिश कर रहे हैं, डायरेक्ट देखने की कोशिश कर रहे हैं, आप अकॉर्डिंग टू डिफिनीशन नहीं चल रहे हैं। आपको रास्ता ये बतलाया गया लेकिन आप साइड से निकलने की कोशिश कर रहे हो, आपको सड़क ये बनाया गया कि आप आराम से सफर कीजिए लेकिन आप साइड से निकलने की कोशिश कर रहे हो। मैं आपको बस ये कहना चाहता हूं ना कि आप जब क्वेश्चन ट्राई कर रहे हैं ना, तो पहला काम ये कीजिए कि उसको बाय डिफिनीशन फॉलो करें, यानी जैसे जैसे स्टेप्स है डिफिनीशन का उसको आप फॉलो कीजिए, नहीं होता है तब कुछ और सोचिए। लेकिन आप क्या करते हो पहले ही स्टेप में ट्रैक से उतर जाते हो, तो ट्रैक से नहीं उतरना है, ट्रैक पर ही रहना है, क्योंकि ट्रैक से उतरते हो तो फिर कैच नहीं कर पाओगे ना। जैसे किसी ने सॉल्यूशन मुझे भेजा था, वो बिल्कुल ट्रैक पर है ही नहीं, वो ट्रैक से बाहर है। डिफिनीशन ये है ना, ऐसा लिखे रहते नहीं भी होता तो हमें वो कोई दिक्कत नहीं था, मलाल नहीं था, चलो बच्चे ने कम से कम डिफिनीशन तो लिखा ना, भले कुछ नहीं किया एक कदम, और यह आपने कर दिया, समझो कि आपका 90% काम कंप्लीट हो गया। यानी हमें केवल आपको 10% सिखाना है, आपने 90% खुद से ही कर लिया, लेकिन उन्होंने पहले ही, मतलब ट्रैक पर वो है ही नहीं, वो ट्रैक से बाहर चले गए पहले ही स्टेप में, जबकि डिफिनीशन ये है। तो यहां से क्या हो जाएगा, वन होगा जब एक्स लाइज बिटवीन दिस, या याद नहीं है तो समझ के लिख लो कि यह दो कंजुगेटिव इंटीजर के बीच में ब्रेक होता है। तो यहां पर ये तो किसी को ये भी कंफ्यूजन हो रहा होगा कि यहां पर इक्वालिटी तो देने में क्या प्रॉब्लम है। सपोज दैट आपके मन में आया, आ सकता है, सबके मन में आता है, मेरे भी मन में आ सकता है, तो मैंने इक्वालिटी लगा दिया। जैसे लगाया कि अरे यार इक्वालिटी लगाने से इसका वैल्यू फिक्स नहीं हो रहा, क्योंकि जैसे कैपिटल एक्स की वैल्यू वन होगी इसकी वैल्यू जीरो नहीं होगी, अब वन होगी, यानी हम कुछ गलत कर रहे हैं। तो जब जैसे आप केवल यह सोचिएगा ना, आपके क्या होगा, आपके वो दिमाग में क्लिक कर जाएगा, अच्छा यहां पर इक्वालिटी नहीं होता है, केवल स्ट्रिक्टली इनइक्वालिटी होता है, ये आपको दिख जाएगा, ये आपको चमक जाएगा, तो बस काम हो गया। तो फिर आप वापस आ जाइए, हमें गलतियों से ही तो सीखना है, हमें अपनी गलतियों से ही तो सीखना है, जितना गलती करोगे उतना ज्यादा सीखोगे। तो इसी वे में हम आगे बढ़ते जाएंगे। हो गया, यह लिखने के बाद आपने जहां जहां कैपिटल एक्स लिखा है उसको आप किससे रिप्लेस कर दीजिए, एक्स स्क्वायर से रिप्लेस कर दीजिए। अब ये तो आप मानते तो बचपन से आ रहे हो ना, ये तो आप मानना और जानना तो काफी पहले से करते आए हो। तो ये हो जाएगा माइनस वन वेन दिस, ये हो जाएगा आपका जीरो वेन जीरो एक्स स्क्वायर लेस देन वन, ये हो जाएगा वन वेन दिस, ये और भी आगे चलता जाएगा। और जब आप बेसिक लेक्चर देखिएगा क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी का, तो मैं इसके बारे में कुछ बतलाया था, या कोई रिकॉर्डिंग देखा होगा, या नहीं भी देखा हो उसको गोली मारो, उसको रहने दो, मुझे केवल ये बतलाइए कि क्या एक्स स्क्वायर की वैल्यू कभी निगेटिव हो सकती है क्या? नहीं हो सकती है, यानी ये वाला केस हट जाएगा ना, यानी निगेटिव वाला कोई भी केस इंक्लूड नहीं होगा। तो अब आप पीछे लौट करके सोचोगे ऐसा क्यों हो रहा है, तो आप सोचोगे कि अच्छा हमने कैपिटल एक्स को हमने एक्स स्क्वायर को कैपिटल एक्स से रिप्लेस कर रखा था, और जैसे हमने रिप्लेस किया था, चूंकि एक्स स्क्वायर अपने आप में या तो पॉजिटिव होगा या फिर जीरो होगा, या तो जीरो या पॉजिटिव होगा, यानी यहां पर यही जब ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो है तो कैपिटल एक्स भी क्या हो गया, इसके चलते ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। और इसके पहले क्या था, इसके पहले एक्स फ्री था, क्योंकि कोई रेस्ट्रिक्शन में दिया ही नहीं था। तो यहां से एक चीज सीखने को मिला क्या, अच्छा यदि हम किसी चीज को रिप्लेस करेंगे तो हमें उसके रेंज पर ध्यान देना होगा, ऐसे ही आंख बंद करके रिप्लेस नहीं करेंगे, रिप्लेस तो करेंगे लेकिन करते समय हमें कैपिटल एक्स इसके अकॉर्डिंग चूज करना होगा, यानी इसका रेंज,
या नहीं भी करोगे, बाई चांस आप नहीं भी करोगे, तो आपको यहां पर आकर के गलतियां दिख जाएगी, और जैसे दिखेगी कोई बात नहीं, आकर के यहां से केस को एलिमिनेट कर लो जैसे मैंने कर दिया। तो ये गलत अप्रोच नहीं है कि ये गलत है, ये गलत अप्रोच नहीं है, बस मुझे ये चीजें आगे आकर के दिखी, तो आगे जब जागो तभी उजाला, जब जागो तभी सवेरा ना, तो मेरा मेरी आंखें अब खुली कि अच्छा ये केस नहीं होगा, तो ठीक है अब जब मैं नेक्स्ट स्टेप लिखूंगा तो इस केस को नहीं लिखूंगा, इस केस को नहीं लिखूंगा, मैं केवल यहां से आगे बढ़ जाऊं, तो यहां से आगे बढ़िए, यहां से क्या हो जाएगा आपका, ये हो गया ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स स्क्वायर इक्वल टू, ये हो जाएगा जीरो व्हेन व्हेन, मैं केवल यही एक केस सॉल्व कर देता हूं या एक और लिख लेता हूं, इसी वे में अब मुझे चाहिए x, हमें x चाहिए ना, तो अब x कब मिलेगा, जब हम इस इनइक्वालिटी को सॉल्व कर पाएंगे, यानी गाड़ी कहां आके लटक गई इनइक्वालिटी पर। अब इस चीज को समझने के लिए आपका इनइक्वालिटी का कंडीशन या क्वेश्चंस कंसेप्ट सब कुछ बिल्कुल पानी की तरह क्लियर होना चाहिए, अभी इसमें कहीं भी कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए, क्योंकि केवल यही तक की बात नहीं है, जब तक आप पढ़ते रहोगे तब तक ऐसी चीजें आती ही रहेगी, तो इस बेहतर कि इसको अभी ही बेहतर तरीके से समझ लिया जाए, तो आपका ये हो जाएगा, मुझे यहीं पर लिख लेना चाहिए था, ठीक है मैं आगे अब नहीं करता हूं, आगे आप कर सकते हो कोई दिक्कत नहीं, तो मुझे इस इनइक्वालिटी को सॉल्व करना था, सॉल्व कीजिए, देखिए तो अब ये बीच में आए ना, मैं इन जनरल बतलाता हूं, इन जनरल ऐसा जैसे कि हमें कुछ आता ही नहीं है, मैं उस वे में बतलाता हूं, तो जैसे हमें इस इनइक्वालिटी को सॉल्व करना, पहला केस यही है, हमें x निकालना, हमें फाइनली क्या चाहिए, x चाहिए, x स्क्वायर नहीं चाहिए, क्योंकि x और y एक्सिस पर x ही रहता है ना, यहां पर x रहता है, ठीक है ना, यहां पर x रहता है ना कि x स्क्वायर रहता है, तो हमें x चाहिए, तो इसको सॉल्व करो, देखो तो वैसे इसको तो सॉल्व करना इजी है ना, फिर भी कैसे करेंगे, इसको हम ब्रेक करेंगे, याद है ना डबल इनइक्वालिटी को बीच में एंड दे करके ब्रेक करते हैं, तो मैंने ब्रेक कर दिया, बाद में आप कॉमन सेंस लगा करके डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, लेकिन मैं कॉमन सेंस नहीं लगा रहा हूं, क्योंकि अभी हमें चीजों को प्रोसेस वाइज चलने सीखना है, ताकि इसके अलावा कोई भी क्वेश्चन आए ना तो हम फंसे नहीं, क्योंकि हमें केवल इसी क्वेश्चन तक अपने आप को सीमित नहीं रखना है, हमें आगे के भी क्वेश्चंस को इजी वे में सॉल्व करना, तो हमें अंदर का प्रोसेस दिखना चाहिए, हम पढ़ने के साथ साथ बेसिक चीजों को इंक्लूड करने के अलावा उसको एक्सक्लूड करते हुए जाते, उसको छोड़ते हुए जाते, इसलिए हमें आगे चल के परेशानी क्रिएट होती है, या जो क्वेश्चंस में चार पांच कॉन्सेप्ट यूज हो जाता है तो हम नहीं कर पाते हैं, तो उसका रीजन यही है कि हम चीजों को छोड़ करके चलते हैं, आप एक एक चीजों को देखिए, भले आप क्वेश्चन को डायरेक्ट कीजिए, लेकिन एटलीस्ट यह जरूर सोचिए कि आपने स्टेप कैसे लिखा, क्योंकि आपको स्टेप लिखते समय आपके दिमाग में कुछ सेंटेंसेज बन रहे हैं, बस उसका उसको इमेज बनाकर के केवल देखना है कि वो कौन सा सेंटेंस हमारे दिमाग में चल रहा है, जिसके चलते मैं यहां से यहां आ गया, ताकि वो क्वेश्चंस कैसा भी हो, चाहे ईए हो या कोई और हो, आप उसको कर पाओ, तो मैंने इसको ब्रेक कर दिया, तो जब भी ऐसा होता है हम इसको ऐसे इसको एंड से ब्रेक करते हैं, क्योंकि दोनों स्टेटमेंट एक साथ ट्रू होना चाहिए, तो ट्रू तभी होगा जब ये जीरो से होगा और ये लेस होगा, तो मुझे ये बतलाइए, ये तो ऑलवेज ट्रू है ना फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर, क्योंकि किसी भी रियल नंबर का स्क्वायर ऑलवेज ही पॉजिटिव होता है, तो ये ट्रू हो गया, एंड इसको ये, तो इस टाइप के जब भी क्वेश्चन हो उसको एक साइड जीरो बना के सोल्व करते हैं, इक्वेशन की तरह नहीं कि डायरेक्ट स्क्वायर को हटा करके प्लस माइनस वन कर दिया, यह गलती हम इनइक्वालिटी में कभी नहीं करेंगे, हम हमेशा पहले प्रेम से एक साइड जीरो बनाएंगे, हमने जीरो बना दिया,
अब जीरो बनाने के बाद इसको हम फैक्टर करेंगे, इसके जीरोज को निकालेंगे, इसके जीरोज को निकालेंगे। तो यह जीरोज मींस यह जीरो कहां कहां होगा, यह जीरो कहां कहां होगा, जब एक्स इक्वल टू प्लस माइनस वन होगा, हो गया। अब इस जीरोज को हम रियल लाइन पर अरेंज करेंगे, रियल लाइन पर, आप रियल लाइन प्लॉट कर लीजिए। तो ये आपका रियल लाइन है, माइनस वन इधर होगा और वन इधर होगा। इसके बाद हम इन यह रियल लाइन तीन पार्ट में ब्रेक हो गया, पार्ट वन, पार्ट टू और पार्ट थर्ड, यानी एक घर, दो घर और तीन घर, एक बेटे के तीन, नहीं एक बाप के तीन बेटे ना, एक प्रॉपर्टी पता नहीं, चलो बेटा बेटी को गोली मारो, यहां आते हैं हम। अब देखिए, अब हम क्या करेंगे कि इस इंटरवल से कोई भी रियल नंबर पिक करेंगे, जो आपके मन में चल रहा है, जो भी आपके मन में चल रहा है यहां पर पुट करेंगे, बस माइनस वन केवल पुट मत करना। तो मेरे दिमाग में आया माइनस टू, तो यहां पर जब मैं माइनस टू को पुट कर रहा हूं तो इस एक्सप्रेशन की वैल्यू क्या आ रही है, पॉजिटिव आ रही है। माइनस टू पुट कीजिएगा तो माइनस टू का स्क्वायर फोर माइनस वन थ्री, पॉजिटिव आ रही है। तो अब इस इंटरवल में आप एक्स की कोई भी वैल्यू पिक कीजिए, ऑलवेज पॉजिटिव ही मिलेगा, चेक कर सकते हो आप। और इस चूंकि अब क्वाड्रेटिक है, ऐसा मैं केस बतला चुका हूं, तो मैं यहां डायरेक्ट प्लस माइनस प्लस कर सकता हूं। किस केस में, मैंने कब बोला, जब यह क्वाड्रेटिक का केस है तब, या जब पॉलिनोमियल का केस है तब। पॉलिनोमियल में भी कैसा कि सबका पावर ऑड हो, यानी इस टाइप से, मैं थोड़ा और इसको एक्सपेंड कर दो, मैं उस समय ना काफी अच्छे से पढ़ाया इसलिए थोड़ी चीजें शॉर्टकट में मैं निकालना चाहता हूं। मैं इसी दिन के लिए पढ़ाया था ताकि मैं वहां पर डायरेक्ट मूव ऑन कर सकूं, लेकिन फिर भी नहीं कर रहा हूं, फिर भी आपको बतला रहा हूं ताकि वो चीज आपका रिविजन में हो जाए, एक बार उस चीज का फिर से रिवाइज हो जाए, ठीक है। ये सबका पावर क्या है ऑड, देखो मैं इन जनरल सोच रहा हूं, क्वेश्चन जीरो लेवल का कर रहा हूं, लेकिन मैं इन जनरल सोच रहा हूं क्योंकि अब पीछे की चीजें यूज हुई है और हम पीछे की चीजों को बारीकियों से अच्छे से पढ़ चुके हैं, इसलिए मैं इसको इन जनरलाइज भी कर रहा हूं ताकि इसके अलावा और भी कोई क्वेश्चन आए तो हम उसको इजीली अटेम्प्ट कर पाए, भले सॉल्व हो ना हो बात की बात है, लेकिन हम सही अप्रोच ले ले, ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात हो। तो हमने अप्रोच ले लिया इन जनरल सोच करके, चलो ठीक है। तो जब भी ऐसा होता है हम एक इंटरवल में चेक करके प्लस माइनस कर देते, यदि यहां पर माइनस आता तो माइनस प्लस माइनस, यानी अल्टरनेट चलता। अब हमें इस एक्सप्रेशन की कैसी वैल्यू चाहिए, हमें इस एक्सप्रेशन की निगेटिव वैल्यू चाहिए, निगेटिव एक्स की किस वैल्यू के लिए है, इस वैल्यू के लिए। देख रहे हो ना चीजें कैसे कनेक्ट हुई है, और कोई अच्छे से ग्राफ नहीं प्लॉट कर पाया, तो ये हो गया। यानी यहां पर x की क्या वैल्यू आएगी, यहां पर आपका x कहां पर इंप्लाई करेगा, माइनस, हाँ, इसके बाद यहां से जो x आया और जो यहां से x आया दोनों का इंटरसेक्शन लेंगे, क्योंकि बीच में क्या है, एंड का साइन है। तो बाबू ये बताइए, जब दोनों का आप इंटरसेक्शन लीजिएगा तो क्या आएगा, माइनस वन से वन आएगा, क्योंकि यह पूरा का पूरा रियल लाइन है और माइनस वन वन वहां। तो माइनस वन से जीरो जाएगा, क्यों माइनस वन से जीरो, एक्स तो पूरा हो रहा है ना, निगेटिव तो मिल रहा है ना, यहां पुट कीजिए, क्यों आप जीरो बोल रहे हैं बतलाइए थोड़ा, मैं भी देखो, यहाँ पर एक्स स्क्वायर पॉजिटिव है कि एक्स पॉजिटिव है, ठीक है ना, क्योंकि मैं इसको तो सॉल्व करके निकाल रखा हूं ना कि एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर, क्लियर है। चलिए तो ये हो गया, यानी एक्स माइनस वन से। अब देखिए इक्वालिटी लगेगा कि नहीं लगेगा, अब ये सोचना है क्या इक्वालिटी लगेगा, नहीं स्ट्रिक्टली है यहाँ पर इक्वालिटी नहीं है। तो देख रहे हो मैं जो भी लिख रहा हूं ना एक एक चीजों को कंसीडर करके लिख रहा हूं, क्यों, क्योंकि मैंने अपने आप को वैसे ढाला है, अपने आप को वैसा बनाया है, क्योंकि मैं गलतियां बहुत करता था जब मैं जे एडवांस दिया था, तो दुनिया भर की गलती करके आया था, 285 नंबर का मैंने क्वेश्चन सॉल्व किया था और आया था मात्र 139 मार्क्स, जिसमें से केमिस्ट्री में माइनस 11 था, ठीक है,
और मैथमेटिक्स में 92 था और फिजिक्स में 39 था, 129 आया था, सॉरी 129। तो मैं एरर बहुत करता था, ठीक है ना, बहुत गलतियां। मैंने जेई मेन का एग्जाम दिया, जेई मेन में मेरा एनआईटी मिला भी था, बट मेरा सपना था आईआईटी जाने का, तो फिर मैंने एनआईटी नहीं लिया। मेरा मैंने 160 मार्क्स का क्वेश्चन सॉल्व किया था, वैसे मैंने अटेम्प्ट करके आया था 240-50 मार्क्स का, लेकिन मैंने बहुत गलतियां किया था, -1 > 0 कर दिया था मैं, ऑक्सीडेशन ऑर्डर सा जाना था, ठीक है, वो भी दे रखे थे, मैंने अब क्या ही मुंह से गाली आती है, वो भी एक ऑप्शन भी दे रखे है, -1 > 0, भाई देने की क्या जरूरत है भाई, -1 नीचे आएगा, 0 बाद में आएगा ना, वो 0 को पहले -1 दे दिया था, ऐसा ऑप्शन सेट किए थे वो, मैंने भी मार दिया, क्या करूं, गलत हो गया। tan x का डिफरेंशिएशन मैंने गलत किया था, क्योंकि मैं पहले ऊपर ऊपर सोचता था, मुझे कोई रियलाइज कराने वाला नहीं था कि हम गलतियां भी कर सकते हैं। वो जब खुद से हम गिरे ना, जब दो बार गिरे तब जाकर के रियलाइज हुआ कि नहीं नहीं हम कहीं तो कुछ फॉल्ट कर रहे, कहीं कुछ मिस्टेक्स कर रहे। तो फिर मैंने अपने आप को आदत डाला एक एक स्टेप को इंक्लूड करते हुए आगे बढ़ना, ना कि एक्सक्लूड करते हुए आगे बढ़ना। मैं सब कुछ इंक्लूड करता हूँ, छोटी से छोटी बातें को सोचते हुए मैं आगे जाता हूँ, ताकि फ्यूचर में गलत होने का कोई गुंजाइश ही ना हो। अब मैं इसको सॉल्व करूंगा, तो ये वाली चीजें क्लियर हो गई अच्छे से, चलो उम्मीद करता हूं कि हो भी गया होगा। किसी को यदि पूछना है तो आप पूछ सकते हो, ठीक है ना। मैं इसको सॉल्व करता हूं, तो सेम कॉन्सेप्ट है ना, तो आप इसको सेम कॉन्सेप्ट से ब्रेक कीजिए। मतलब 10 क्वेश्चंस करने से बेटर है कि 2-3 क्वेश्चंस को इतने तरीके से कर लीजिए कि बाकी के क्वेश्चंस अपने आप होने लगे, क्योंकि मैं चाहता हूं कि क्वेश्चन आपसे हो, इसलिए मैं इतना जोर दे रहा हूं डेफिनेशन पर, कि आप क्वेश्चन ऐसे ही प्रोसीड करके खुद से ट्राई कीजिए, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चंस आपको सॉल्व करना है, मुझे सॉल्व नहीं करना है। तो आप तक यह मैसेज पहुंचना चाहिए, भले 1 घंटे में पहुंचे या 10 घंटे में पहुंचे। तो अब आप इसको सॉल्व कीजिए, फिर से वही कंसेप्ट कि हम इनइक्वालिटी के केस में एक साइड 0 बनाते हैं, तो वहां तो 0 था, यहाँ 0 नहीं है ना, 1 है, तो हमेशा ये 1 से ग्रेटर नहीं होता है ना, लेस भी तो हो सकता है किसी x की वैल्यू के लिए, यानी यहाँ x बिलोंग्स टू रियल नहीं होगा, नहीं तो पीछे वाले की तरह, चूंकि यहाँ पर आपने x बिलोंग्स टू रियल बोल रखा है, तो इसलिए यहाँ भी हम x बिलोंग्स टू रियल बोल देंगे, गलत हो जाएगा, या x बिलोंग्स टू रियल इसलिए बोल दिया क्योंकि एक साइड 0 था और एक साइड स्क्वायर था, बट यहाँ पर ऐसा नहीं है, नॉन रियल, नॉन 0 कॉन्स्टेंट रियल नंबर है, तो हम एक साइड 0 बनाएंगे, जिसको इस जैसे इस केस को हमने सॉल्व किया था, सेम इसको सॉल्व करेंगे, तो 0 बनाइए, इसको भी 0 बनाइए, ये दोनों इंडिपेंडेंट है, दोनों को मैं इंडिपेंडेंटली सॉल्व कर रहा हूं, ऐसा नहीं कि -1 इधर लाए तो इसमें भी लेकर के आ जाऊं, ये इंडिपेंडेंट क्वेश्चन हो गया ये, हाँ यहाँ पर दोनों एक साथ डिपेंडेंट है, लेकिन यहाँ पर दोनों इंडिपेंडेंट हो गया, क्योंकि मैंने एंड का साइन लगा करके ब्रेक कर दिया, बाद में हम दोनों का सोल्यूशन निकाल करके इंटरसेक्शन लगा करके दोनों की बातों को अमल कर लेंगे, मान लेंगे, तो यहां से क्या हो जाएगा, फिर वही 0 निकालिए, इसको आप ऐसे भी तो लिख सकते हैं, तो बस एक साइज 0 बनाइए इस केस में, तो 0 के लिए वही पहले फैक्टर कर लीजिए, ज्यादा बेटर रहेगा, हो गया। अब यहां से क्या होगा, रियल लाइन पर रियल, वैसे मैं इसको याद करवाया था, इसको मैं याद करवाया था, ठीक है ना, कि जब भी ऐसा केस आए तो आप डायरेक्ट लिखने की कोशिश कीजिए, क्योंकि आप कब तक ये काम करोगे, लेकिन वो चीजें दिमाग में चलना चाहिए कि आप वो डायरेक्ट कैसे लिख रहे हो, ये नहीं कि आप बाद में चल के इसी को भूल जाओ, कहीं क्वाड्रेटिक के जगह पर दूसरा फंक्शन दे दिया ना, तो बैठ करके सोचते रह जाओगे, क्योंकि आप डायरेक्ट तो सोच नहीं पाओगे, उसके लिए डिफिनेशन चाहिए,
और आप डिफिनेशन को तो भूल चुके हो क्योंकि उसके बारे में कभी सोच नहीं रहे हो। तो भले आप डायरेक्ट लिख रहे हैं लेकिन चीजों को सोचिए कि आपको डायरेक्ट कैसे लिख रहे हैं, क्योंकि मुश्किल से 10 से 15 सेकंड का टाइम जाएगा। तो जीरो यहां पे पुट कीजिए, जीरो पुट करने से निगेटिव आ रहा है, यह निगेटिव पॉजिटिव पॉजिटिव। चेक कीजिए इसके इसके इंटरवल का कोई भी एक रियल नंबर पुट कीजिए इस एक्सप्रेशन में, तो इस एक्सप्रेशन की वैल्यू इस x की वैल्यूज के लिए निगेटिव आ रहा है, और हमें क्या चाहिए, x की वैसी वैल्यू चाहिए जिसके लिए इस या एक्सप्रेशन क्या हो जाए, पॉजिटिव हो जाए, या एक्सप्रेशन पॉजिटिव हो जाए। तो पॉजिटिव किधर मिल रहा है, x की किस वैल्यू के लिए मिल रहा है, x की इस वैल्यू के लिए मिल रहा है और x की इस वैल्यू के लिए। तो यहां से क्या हो जाएगा, x belongs to minus infinity से minus 1, अब 1 पर क्लोज होगा ना, हाँ क्लोज होगा, क्यों, क्योंकि यहां पर 0 पर क्या है, 0 पर इक्वालिटी है, इसी संतोष सर का बोर्ड काफी अच्छा है, हमारे बोर्ड से काफी बेहतर उनका बोर्ड है, मैंने उनका पैनल काफी अच्छा है। क्योंकि x की इस वैल्यू के लिए भी यह एक्सप्रेशन क्या हो रहा है, पॉजिटिव हो रहा है, देख लो पॉजिटिव हो रहा है, और इस एक्सप्रेशन का x की इस वैल्यूज के लिए पॉजिटिव है, इसलिए मैंने ये लिखा, फिर एंड बीच में एंड आएगा। तो यहां पर क्या हो जाएगा, सेम केस है ना, फिर भी लिख दे रहा हूं, तो यहां से क्या हो जाएगा, जीरो पुट कीजिएगा तो निगेटिव पॉजिटिव निगेटिव, हमें इस एक्सप्रेशन की यानी x की वैसी वैल्यू चाहिए जिसके लिए यह एक्सप्रेशन निगेटिव हो जाता है। x की किस वैल्यू के लिए आ रहा है, माइनस रूट टू से रूट टू के लिए। क्या ओपन होगा, क्लोज, ओपन होगा क्योंकि इक्वालिटी नहीं है। अब बीच में एंड है ना, तो एक सेट ये मिला है और एक सेट ये मिला है, दोनों सेट का इंटरसेक्शन ले लीजिए, दोनों सेट का इंटरसेक्शन, तो एक इंटरसेक्शन लीजिएगा तो दोनों को कंबाइन करने से कितना आएगा, कोई निकाला है तो बताओ आप। सो माइनस अंडर रूट टू से वन, माइनस वन क्लोज ब्रैकेट यूनियन क्लोज ब्रैकेट वन टू अंडर रूट टू। यही ना? यस सर। किसी को पूछना है कि यह कैसे आया? ऐसा कोई बंदा या बंदी जिसको पूछना हो? चलो अच्छी बात है। और एक चीज, मैं मैसेज नहीं पढ़ पाता हूँ, मैसेज के लिए एक सामने को और टीवा लगाना पड़ेगा, ठीक है ना, बड़ा सा स्क्रीन लगाना होगा, और जब बोल बल जब बोलने की फैसिलिटी है तो क्यों स्क्रीन लगाना है भाई, मैसेज कर माने बोलने में शर्म आ रही है क्या, ऑफलाइन में कैसे पूछोगे, ऑफलाइन में कैसे मैसेज करोगे, इशारों में बतला दोगे नहीं ये। चलो ये भी है, तो अभी तक एक ही कहानी चल रही है, लेकिन यह इतने बेहतर तरीके से हो जाएगा कि आप दुनिया का आप कोई भी क्वेश्चंस करोगे वो आपसे होगा, बस सेम प्रोसीजर को फॉलो करना, सेम स्टेप्स को फॉलो करना। मैं आपको इसलिए छोड़ रखा था ताकि आप पहले खुद से कोशिश कर लो और आपको आज के क्लास में पता चले कि आप क्या मिस कर रहे थे। डायरेक्ट कराने पर शायद आपको ये सब कुछ ओबियस लगता, लेकिन आप एक बार ट्राई कर चुके हैं, एक बार फंस चुके हो, मैक्सिमम लोग फंस चुके हैं, तो अब उनको इसमें इंटरेस्ट आ रहा होगा और अपनी गलतियां उनको दिख रहा होगा कि वो क्या नहीं सोच पा रहे थे, और उसको वो रियलाइज करेंगे, आभास करेंगे और उसको इम्प्रूव करने की कोशिश करेंगे, और जो सोच पा रहा था अच्छी बात, क्योंकि अभी तो बेसिक क्लास है ना, तो सबको एक प्लेटफॉर्म पर लाना मेरा काम है। ठीक है, तो मैं कहाँ था, यहाँ था।
इसको क्या करूं मैं, जाने दो कि मिटा दो, चलो यहां पर लिख लेता हूं, imply करके लिख लेता हूं, ये जीरो कब आएगा, जब x कहां से कहां तक लाई कर रहा था, माइनस वन से वन ना, माइनस वन से वन, और जैसे आप कहोगे सर सर यहां तो इक्वालिटी आना चाहिए ना बाबू, में x यहां पर x नहीं है, x स्क्वायर है, जो सॉल्व आएगा आपको वही लिखना है, बस आपका वो स्टेप्स सही होना चाहिए, कहीं से गलत नहीं होना चाहिए, तो जो आया है मैंने लिख दिया। वैसे आप ध्यान से देखो तो मैंने स्टार्टिंग में वही लिखा था जो आपके दिमाग में चल रहा है, वही लिखा था, लेकिन सॉल्व करने के बाद यह आ गया तो मैं क्या करूं, आ गया तो लिख दिया, फिर वन वन किसके लिए आ रहा है, जब जब मैं ऐसे लिख देता हूं, ऐसे थोड़ा लिखने में शॉर्ट पड़ेगा, जब x बिलोंग्स टू ओपन माइनस अंडर रूट टू टू माइनस वन पर क्लोज यूनियन वन क्लोज टू अंडर रूट टू पर ओपन, टू 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 के लिए क्या कैसे आएगा, टू के लिए तो क्या था, एक्स स्क्वायर लेस देन इक्वल टू टू लेस देन थ्री ना, वही सेम कॉन्सेप्ट सेम कहानी, टू एक्स स्क्वायर एंड एक्स स्क्वायर लेस देन थ्री, अब मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूं, इसको आप लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस टू ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो एंड एक्स स्क्वायर माइनस थ्री लेस देन जीरो, इसको मैं डायरेक्ट लिख दूं, इसके बाद आपको याद होना चाहिए जब एक्स माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी होता है और ग्रेटर देन जीरो लेस देन जीरो होता है और विदाउट लॉस ऑफ जनरलिटी ए लेस देन बी मान लिया, तो इस केस में एक्स हमेशा इसके बीच में लाई करता है, बशर्ते कि x का कोफिशिएंट पॉजिटिव हो, जो आप जान रहे हैं, जो आपको डिफिनेशन बतलाया गया है उससे देखिए क्या क्वेश्चंस 100% मैच हो रहा है, यदि हो रहा है तो हाँ उसको भी ऐसा लिख सकते हैं, यानी यदि यदि 10th क्लास के बच्चे को बतला दिया जाए कि बाबू ऐसा दिखेगा ना तब ऐसा लिखना है, उसको एक नया क्वेश्चन दे दीजिए, वो तभी लिखेगा जब ऐसा दिखेगा, नहीं तो लिखेगा ही नहीं, बैठा रहेगा, ऐसा तो दिख ही नहीं रहा, तो उनको लगा कि चाचा ने गलत क्वेश्चन दे दिया, भैया ने गलत क्वेश्चन दे दिया, ठीक है ना, तो उसको क्या पता है भैया, और आप क्या करोगे ऐसे बनाने की कोशिश कर सकते हो, अच्छा ये मालूम है और ये दिया, अच्छा आप माइनस मल्टीप्लाई करेंगे तो ऐसा बन जाएगा, तब माइनस मल्टीप्लाई कर दो, और जब इस वे में हो और केस यही है ए लेस देन बी, तो ग्रेटर देन के केस में, ग्रेटर देन केस में x छोटे से छोटा होगा और बड़े से बड़ा हो, यानी x lesser number and greater than greater number, चाहे यह नंबर पॉजिटिव हो निगेटिव हो कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैंने कहीं मेंशन नहीं किया है कि a और b पॉजिटिव है या निगेटिव है, और बीच में माइनस होना चाहिए, ध्यान देना बीच में माइनस होना, कहोगे सर प्लस आ गया तो हर प्लस को माइनस वन इंटू माइनस वन आप लिख सकते हो, यदि जरूरत है प्लस वन को माइनस वन लिखने की तो आप लिख सकते हो, ओके तो मैंने वही मैं यहां से डायरेक्ट लिख रहा हूं, यानी एक्स ले दें जब आप फैक्टर करोगे तो रूट टू और माइनस रूट टू आएगा ना, या जहां पर ये जीरो हो रहा है ऐसे भी कर सकते हो, जहां पर जीरो हो रहा है फिर ऐसे लिख दो, तो ये जीरो कहां पर हो रहा है प्लस माइनस रूट टू पर, यानी एक्स बिलोंग्स एक्स लेस देन माइनस रूट टू एंड और एक्स ग्रेटर देन रूट टू, आप कहोगे सर यहां पर और क्यों आ रहा है और यहां पर एंड क्यों आ रहा है, बाबू यहां पर और इसलिए आ रहा है ना क्योंकि एक्स के इस वैल्यूज के लिए भी यह कंडीशन सेटिस्फाई है और एक्स के इस वैल्यू के लिए भी यह कंडीशन सेटिस्फाई है, यानी एक्स के दो दो वैल्यूज मिल रही है, यदि सेट की बात करें तो दो दो सेट मिल रहा है, सेट ए और सेट बी, और दोनों सेट के लिए ट्रू है, तब दोनों सेट मिला करके आंसर लिखोगे ना तो उसके लिए यूनियन करोगे, और यूनियन को ही हिंदी में यहाँ पर सेंटेंस में क्या बोल रहे हैं, और बोल रहे हैं, बस वर्ड में कहो या सेंटेंस में कहो जो भी आपको बेटर लगे, और इसको
हो गया। तो यहां से आप लिख लीजिए x belongs to, इन दोनों का ही इंटरसेक्शन ले लीजिए, कितना आएगा? दोनों का इंटरसेक्शन लेने पर क्या आएगा? दोनों का इंटरसेक्शन यदि मैं लेता हूं तो माइनस, इक्वालिटी कहीं नहीं आया, ऐसे कैसे नहीं आएगा, यहां पर आएगा। हाँ, तो माइनस रूट थ्री से माइनस रूट टू पर क्लोज यूनियन रूट टू से रूट थ्री। देख लीजिए, यदि किसी को प्रॉब्लम है तो बतलाइए, या एक मैं इसको प्लॉट करके दिखला देता हूँ। किसी किसी का बाउंस भी हो रहा होगा क्योंकि काफी लोग लेट आया ना। देखिए, यह कह रहा है कि इधर आइए और ये कह रहा है तो इधर जाइए, मैंने कर दिया। यानी ये सेट ए हो गया। सेट बी क्या बोल रहा है? सेट बी, इसको मैं बोल रहा हूँ, सेट बी क्या कर रहा है कि नहीं, आप हम दोनों के बीच में रहिए, यानी आप हम दोनों के बीच में रहिए। तो दोनों में ही इंटरसेक्शन कॉमन पॉइंट क्या बन रहा है? यदि पूछा जाए कि ये बदलाव बाबू दोनों में कॉमन पॉइंट क्या है, तो आप यही बोलिएगा ना कि एक ये है और एक ये है। तो यहाँ भी कॉन्टिन्यूटी ब्रेक हो रहा है ना, तो हम इसको यूनियन करके कंबाइंड करेंगे, यूनियन। तो वही मैंने यूनियन कर दिया। तो उम्मीद करता हूँ कि अब समझ में आएगा। तो मैं केवल इतना का अगर आप प्लॉट कर देता हूँ, बाकी चीजें आप खुद से समझ लेना, ठीक। तो अब मैं यहां तक करने के बाद कंक्लूजन पर पहुंच गया, ग्राफ के कंक्लूजन। आपको सर इतना लंबा प्रोसीजर है बाबू, आपको समझाने में इतना टाइम लग रहा है ना, लेकिन जब हम स्टार्ट करते हैं चीजों को तो इतना टाइम देकर के स्टार्ट करते हैं ताकि हमें आगे कोई प्रॉब्लम क्रिएट ना हो। मैं चाहता तो शॉर्ट में निकल सकता था, लेकिन मैं चीजों को इलेबरेट कर रहा हूं ताकि आपको मैं डिफिनेशन के डेप्थ में इजिली ले जा सकूं और वहां से आपको इजिली पिक करके जहां मैं चाहता हूं आपको वहां पहुंचा पाऊं, या आप जहां चाहते हैं वहां तक पहुंच जाइए। तो आइए अब ग्राफ प्लॉट करते हैं। यानी हमारे पास क्या क्या हो गया, इसको सिलेक्ट करके दूसरी जगह नहीं ले जा सकते। संतोष सर के बोर्ड में जा सकता है, मेरे बोर्ड में नहीं जा सकता। अब क्या, अब तो इसी को झेलना है, अब जितने साल तक रहे। टेक्नोलॉजी इतनी तेजी से अपडेट हो रहा है ना कि कहो मत। संतोष सर, आपका क्या अल्टरनेटिव क्लासेस होगा? तो मैं आपका इंटीग्रल कैलकुलस कंप्लीट कर दूं ताकि एक्सपेक्टेशन पीडीएफ सीडीएफ का जो भी है, कंटिन्यूअस का जो केस है, वो आपको वहां पर दिक्कत प्रॉब्लम क्रिएट न करे इंटीग्रेशन के चलते, ठीक है? तो ये क्या हुआ, जीरो कब आया था? जब एक्स बिलोंग्स टू किया था माइनस वन से वन था। बोर्ड के चलते ना इन चीज को चार बार लिखना पड़ रहा है। चलो कोई बात नहीं, बस आपको समझ में आ जाए सब वसूल हो जाएगा। सर ऐसे ही हम लोग को 9 तक करना पड़ेगा इस क्वेश्चन में, क्योंकि इसकी रेंज 0 टू 3 है। हाँ, 9 तक करना होगा, यानी जब तक कि पूरा का पूरा एक्स कवर ना हो जाए तब तक करना होगा। तो ये कहां तक कवर हुआ अभी तक देख लेते हैं। ओ, जीरो से है तो ये वाला केस छोड़ देंगे ना। ओ, इसलिए वो जीरो से बोल रहे थे क्या आप? तो आपने मुझे जीरो से थ्री गिवन है, ओके। तो बोलना चाहिए ना कि सर आपने क्वेश्चन में तो ये दे रखा है और यहाँ कहानी कुछ और आप बोल रहे हैं।
या अभी कहां तक कवर हुआ, 3 तक, यानी हमें कहां तक जाना होगा, 3 तक जाना है ना, यानी स्क्वायर रूट 9 तक जाना होगा, स्क्वायर रूट 2 स्क्वायर रूट 9 तक जाना होगा। तब मैं ग्राफ ही प्लॉट कर देता हूं सबसे बेटर, तो इस वे में फंक्शन मेरा ब्रेक हो रहा है, ठीक है। यानी अगला क्या आएगा, 3, अब मैं डायरेक्ट लिख सकता हूं ना, x belongs to, देखिए क्या यहां पर आएगा, खुद से सोचिए, यहां पर क्या आना चाहिए, यहां पर आना चाहिए माइनस अंडर रूट 4 से माइनस अंडर रूट 3, सही है ना, यूनियन, यानी हम इन जनरलाइज कर सकते हैं, यहां पर क्या आएगा, यहां पर आपका आएगा अंडर रूट 3 से अंडर रूट 4, समझ में आया ना। मैं इसी को इसी पैटर्न पर आगे बढ़ जा रहा हूं, क्योंकि एक तरह का ये सीक्वेंस बन रहा है ना, एक डिफिनिट पैटर्न बन रहा है, तो इस पैटर्न को हम फॉलो कर लेंगे। तो अभी भी कहां तक कवर हुआ, 2 तक कवर हुआ, यानी x की वैल्यू 3 है, तो एक बार और लिखिए, x बिलोंग टू कहां तक जाएगा, अब लिखने की जरूरत है कि आप समझ गए हो, चलिए ठीक है, समझ गए तो अच्छी बात, नहीं समझो तो बोलना। देखिए माइनस 1 से 1 के लिए, तो हमें x 0 से लेना है ना, 0 से लेना, फिर भी मान लीजिए कि x वहां रियल है, सपोज दैट x रियल आता, तो क्या होगा, माइनस 1 से 1 के लिए क्या है, 0 है, यानी 0 ही है, और माइनस 1 1 पे क्या है, डंबल ओपन है, डंबल ओपन, आप ओपन कर देना, ठीक है। फिर माइनस रूट 2 से माइनस 1, तो माइनस रूट 2 इधर है ना, माइनस रूट 2 से माइनस 1, माइनस रूट 2 से माइनस 1, देखिए माइनस 1 पर क्लोज है, तो माइनस 1 पर क्लोज है, तो माइनस 1 यहां पुट कीजिएगा तो एग्जैक्ट 1 देगा ना, इसके लिए क्या है, 1 है, 1 है, इसके लिए 1 है, कहां तक, माइनस रूट 2 तक, और माइनस रूट 2 पर क्या चेक कीजिए, तो ओपन है ना, तो यहां पर मैं ओपन, यानी यदि कोई लाइन यहां से जाएगी तो उसका सॉल्यूशन नहीं होगा, यदि यहां कोई लाइन यहां से इसके एंड पॉइंट से क्रॉस करेगा तो नो सॉल्यूशन होगा, क्यों, क्योंकि x इक्वल टू अंडर रूट 2 यहां है ही नहीं, फिर यहां पर क्या है, यहां पर भी तो वही चीज है, कहां पर ओपन होगा, रूट 2 पर ओपन कर दिया। अब समझ में, कोई बोला था कि इसका पैराबोला ग्राफ क्यों नहीं हो रहा, बाबू हम इसका ग्राफ पैराबोला प्लॉट किया है ना, यहां तो ग्रेटेस्ट इंटीजर अप्लाई हो गया, तो कैसे पैराबोला होगा, जो आएगा हम वही लिखेंगे ना, क्लियर क्लियर हो गया क्या आपका, जिन्होंने डाउट पूछा था ये, यस सर, चलो ठीक। तो यहां से अब क्या आ जाएगा, फिर आगे के लिए प्लॉट कर दीजिए, यहां पर 2 कहीं होगा ना, तो 2 कहां से कहां तक आएगा, ये पहले पॉजिटिव के लिए रूट 2 से रूट 3, रूट 3 पर ओपन, फिर रूट 3 पर ओपन है ना, यानी इसी पैटर्न में चल रहा है ना, अब आपको दिख गया ना, इसे जो चीज इधर उधर वही सेम चीज इधर भी है, यानी एक लाइन इधर भी आप प्लॉट कर सकते हैं, ऐसे चलोगे फिर इसमें ऐसे चलोगे, फिर आप ऐसे चलोगे, फिर आप ऐसे चलोगे, ऐसे चलते जाओगे, हो जाएगा, यानी इधर भी एक सीढ़ी बनाइए और इधर भी, ऐसा कहीं होता है ना देखने के लिए, आप कहीं घूमने के लिए गए होंगे तो इधर भी सीढ़ी जा रही है और इधर भी सीढ़ी जा रही है, तो ये वैसा ही कुछ केस हो रहा है।
हो गया सब, तो इसमें मैंने कुछ किया। अब बात यह है ना कि इसमें मैंने किया क्या कि मेरे से हो गया, तो मैंने कुछ भी नहीं किया, बस मैंने डिफिनेशन का पैर पकड़ा और वो जहां जहां लेकर के जा रहा था मैं वहां वहां चलते गया, बस सत्य कि उस राह में जो भी कंकर वगैरह किला है उसको आपको पार करने आना चाहिए। यानी किल कंकर कहने का मतलब कि जो भी आपके बीच में इनिक्विटी आया या जो भी कुछ आया वो वहां से आपको निकलने आना चाहिए। हो गया, तो उम्मीद करता हूँ कि अब आप सारे क्वेश्चंस कर लोगे, अब हो जाएगा फिर से ट्राई करोगे या एक और करा दो। और किसी को कुछ पूछना है कोर्स का? अगर आप पूछना है नहीं, चलो ठीक। देखना जो आपका सिलेबस होगा ना इतने कछुए के रफ्तार में भी नहीं चलेगा, ठीक है ना? मींस पढ़ाऊंगा सब कुछ कवर होगा, और चूंकि मैं इसलिए भी टाइम दे रहा हूँ ताकि आप थोड़ा उस स्पीड को मेंटेन कर पाए। अब ऐसा भी नहीं कि मैं बुलेट की तरफ पढ़ाता हूँ, अभी मैं बहुत ज्यादा स्लो हूँ, ठीक है ना, बहुत ज्यादा हाई स्लो हूँ। समझो कि आप 1x में ना मूवी देखोगे ना उससे भी मैं ज्यादा स्लो हूँ। तो जैसे y इक्वल टू साइन एक्स है, तो हमें तो पहले साइन एक्स का ग्राफ प्लॉट कर, मैंने पहले तो हमें बाहर निकलने आना चाहिए ना। तो क्या होगा जब जब साइन एक्स की वैल्यू, अब आपको पता है कि साइन एक्स वैल्यू -1 से 1 के बीच में होती है, तब मैं डायरेक्ट लिख दूं यहां पर, आपको मैं इन जनरल फॉर्मूला लिखाया था आप लोगों को याद होगा, तो यहां fx यानी जो चीज यहां होगा वही चीज यहां होगा और उसके अकॉर्डिंग इसकी, या आप कॉमन सेंस लगा कि जब साइन एक्स की वैल्यू -1 से 0 होगा तो क्या आउटपुट होगा भाई, यहां पर क्या आएगा? -2 बाहर है, गलत लिख दिया ना, -1 बाहर। जब साइन एक्स की वैल्यू इसके बीच में होगा तो आउटपुट हमेशा 0 आएगा, और साइन एक्स वैल्यू 1 भी होती है आपको पता है। तो साइन एक्स वैल्यू क्या मैं ये लिखूं? लिखना सही है, वैसे सही तो है, लेकिन क्या लिखना बेटर है? ये लिखना बेटर है ना, क्योंकि यह केस पॉसिबल नहीं है ना स्ट्रिक्टली वाली, यानी साइन एक्स वैल्यू ग्रेटर देन 1 हो यह केस पॉसिबल ही नहीं है। तो हम क्या सिंपली लिख देंगे? साइन एक्स इक्वल टू 1, तो ये हो गया 1। तो इसके लिए बाबू क्या आएगा? 1 आएगा। अब इस इनइक्वालिटी को सॉल्व करना है, तो आप केवल ना, आपको ज्यादा लोड नहीं लेना है, आप केवल ना 0 से 2π के बीच के लिए कर दीजिए बस, जब x की वैल्यू 0 से 2π के बीच में, केवल आप इतना कर दीजिए। तो क्या क्या होगा? -1 से 0 कब कब होगा? थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट में ना। साइन निगेटिव कहाँ होता है? देखना यहाँ पर फिर वापस -1 तो हो सकता है ना, -1 हो सकता है, 3π/2 पर -1 हो सकता है, यानी यहाँ से यहाँ फिर यहाँ से यहाँ, तो क्या हो गया? यहाँ से आप जब सॉल्व कीजिएगा तो इसको मैं डायरेक्ट कर दिया, नहीं आएगा तो समझ में बतलाना, कुछ और उपाय में करो। सही है ना, ओपन इंटरवल होगा, क्यों होगा? क्योंकि जैसे पाई और 2π पुट कीजिएगा 0 हो जाएगा, इसलिए मैंने ये कर दिया। इसको सॉल्व करना है, इसको बतलाना है, साइन एक्स वैल्यू 1 किसके बीच में होता है? साइन एक्स 0 टू 1, तो देखिए तो 0 टू 1 इसी के बीच में है ना, लेकिन इसके चलते प्रॉब्लम हो रही है, क्यों? क्योंकि जैसे पाई बाई 2 हो रहा है उस केस में इसकी वैल्यू क्या हो जा रही है? 1 हो जा रही है, तो पाई बाई 2 को क्या करना होगा? एक्सक्लूड करना होगा ना, इंक्लूड नहीं, इसको बाहर निकालना होगा,
यानी मैं इसको लिख सकता हूँ x belongs to 0 से, अब 0 पर क्लोज होगा, क्यों? क्योंकि साइन 0 की वैल्यू 0 हो सकता है, 0 से पाई बाई 2 पर यूनियन, ओपन यूनियन पाई बाई 2 से पाई पर क्लोज, दिख रहा है ना? और 1 कब होगा? जब x इक्वल टू पाई बाई 2 हो। अब ग्राफ को प्लॉट कर लीजिए, क्या होगा? आप कौन सोचिए कि जब x के, अब sin x को भूल जाइए, अब केवल केवल आपका फोकस यह और यह होना चाहिए। तो जब x की वैल्यू पाई से 2 पाई के बीच में होगा, पाई से 2 पाई के बीच में हो, तो क्या है वैल्यू? -1 है ना, यानी 0 यहां है, पाई यहां होगा, कहीं 2 पाई यहां होगा। तो जब 0 से पाई के बीच में, 0 से पाई के बीच में, सॉरी पाई से 2 पाई के बीच में, पाई से 2 पाई के बीच में, तो साइन की वैल्यू क्या है? -1 है। तो यानी इसका ग्राफ क्या आ रहा है? कुछ ऐसा आ रहा है। या ओपन होगा कि क्लोज? ओपन होगा। जब एक्स की वैल्यू 0 से पाई के बीच में है, एक्सेप्ट पाई बाई 2, केवल पाई बाई 2 के चलते प्रॉब्लम हो रही है ना, तो कहीं पाई बाई 2 लगा दो, यानी पाई बाई 2 पर वैल्यू क्या है? यानी सिंगलटन है ना, सिंगलटन पॉइंट है ना, या सिंगलटन है। एक्स के किसी एक वैल्यू के लिए आउटपुट 1 आ रहा है, तो मैं केवल एक्स की 1 वैल्यू के लिए आउटपुट 1 कर दिया, हो गया। अब बाकी के लिए 0 है, तो इसको प्लॉट कर दीजिए, यहां से लेकर के यहां तक, देखो यहां पर क्लोज है तो 0, ओपन होगा फिर ऐसे होगा, और यहां पर भी ओपन, यानी यहां पर ओपन होगा, यानी ग्राफ क्या आ गया? ये और ये आ गया। माने मैं कुछ नहीं कर रहा हूं, जैसा जैसा दिख रहा है मैं वैसा वैसा लिख रहा हूं, और मेरे से क्वेश्चन हो रहा है। तो यह काम आप भी तो कर सकते हैं, जब मैं कर सकता हूं तो आप क्यों नहीं कर सकते? एक होता कि मैं बिल्कुल आया और क्वेश्चन को टिप दिया, आप अचमन, यार क्या हो गया, कहां से आया, कैसे आया, क्या मैं डायरेक्ट सोच पाऊंगा? मैं डायरेक्ट कहां सोच रहा हूं, और मैं आपको सोचने के लिए कहां मजबूर कर रहा हूं? डायरेक्ट मैं तो केवल ये कह रहा हूं कि जैसे जैसे स्टेप्स फॉलो हो रहा है, जैसे जैसे चल रहा है, बस उसको आप केवल फॉलो कीजिए, क्वेश्चन अपने आप हो जाएगा। कहोगे कि हाई लेवल का नहीं हो रहा है, बाबू कम बेसिक क्वेश्चन तो होने लगा ना, आप पहले एक लेवल को तो पार कीजिए, पहले इस लेवल को तो पार कीजिए, फिर इस लेवल के बारे में सोचेंगे। जब ये भी लेवल हो जाएगा तो हम इस लेवल के बारे में सोचेंगे, जब ये भी हो जाएगा तो हम इसके बारे में सोचेंगे, कुछ ज्यादा ही आ गया, इसके बारे में सोचेंगे, जब ये भी हो गया तो हम इसके बारे में सोचेंगे, यानी हम स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ेंगे, स्टेप बाय स्टेप। यानी आपके पास बहुत टाइम है ना स्टेप बाय स्टेप आगे जाने के लिए, बहुत सफिशिएंट टाइम है। ऐसा तो है नहीं कि सिलेबस समाप्त हो गया, बस आपको मैं छोड़ दूंगा, आप अपने घर जाओ। मेरे यहां ऐसा नहीं होता, जब बच्चे कॉल करते तो पूछते कि कितने साल का कितने महीने का सब्सक्रिप्शन है, कहे कि यहां सब्सक्रिप्शन नहीं चलता है, ठीक है, एक बार आपने पैसा पे कर दिया, बस आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी है जब तक आपका एग्जाम नहीं हो जाता, यहां सब्सक्रिप्शन वाला केस नहीं है। कोई पूछता है तो बहुत अजीब लगता है, अरे बहुत ऐसा लगता है कि पराये जैसा ट्रीट कर रहा है, ठीक है ना, कि सब्सक्रिप्शन रहेगा, अनअकैडमी नहीं है ये। आप तो उम्मीद करता हूं कि समझ में आ गया होगा, क्लियर है क्या? अब कॉस वाला प्लॉट कर लेंगे ना खुद से आप? यस सर। और कोई फंक्शन था जिसका पूछना है आपको, कुछ और जो आपको पूछना हो या आपके मन में चल रहा है, क्योंकि मैं आगे निकलूंगा सर? पहला वाला केस सर, 3 पाई बाय 2 से 3 पाई बाय 2 से 2 पाई नहीं होगा सर? किस में? पहला वाला
जैसे आप इसे पाई से डुबा दिया है। हाँ आगे आप बढ़ सकते हो, मैं आपको मना कहाँ कर रहा हूँ, आप आगे बढ़ जाइए। लाइन को बढ़ा दीजिए, साइन पीरियोडिक होता है ना, तो बस आप आगे बढ़ते जाइए। 3π/2 कर दीजिए, 4π/2 कर दीजिए, जितना आपका मन है उतना कर दीजिए। ठीक है सर, 3π/2 कह रहे हैं सर, 3π नहीं, 3π/2। तो 3π/2 हो तो जाएगा, देखो कुछ 3π/2 इसमें इंक्लूडेड है ना यहाँ पर। नहीं सर, खाली 3π/2 से 2π तक की, क्योंकि सर माइनस वन से वन जा रहा है, आप सर जीरो से माइनस वन से माइनस वन से जीरो, आपने सर दोनों केस के लिए उसमें कहाँ पर बतलाइए, यहाँ पर जो सर क्वाड्रेंट, यस सर, इसका जो सर क्वाड्रेंट वाला ग्राफ बनेगा सर, पाई से 2π है तो सर मतलब जीरो से माइनस वन तक गया एक बार, फिर माइनस वन से जीरो गया, बट सर लोग जो लिमिट है सर माइनस वन टू जीरो जा रही है बेसिकली, तो सर कोई ऑर्डर कंसिडर नहीं करेंगे हम लोग। एक मिनट आप ना थोड़ा धीरे धीरे बोलिए, ठीक है। आप क्या बोल रहे हैं कि थ्री, मैं आपकी बात को पहले लिखता हूँ, ठीक है ना, आप 3π/2 से 2π बोल रहे हैं, यही ना? यस सर, ठीक है। तो 3π/2 से π/2 के बीच में आपके अकॉर्डिंग साइन मॉड ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू क्या आ रही है? ओके सर, ओके ओके सर, क्लियर हो गया सर, क्लियर हो गया, चलिए ठीक। आप इसको पॉजिटिव मान रहे थे ना, इसलिए आपसे गलती दिक्कत हो रही थी, नहीं इसमें आप पॉजिटिव वैल्यू ले रहे थे ना, आप पॉजिटिव वैल्यू ले रहे थे ना, बतलाइए आप। सर यस सर, हाँ तो वो आप गलत ले रहे थे ना, इसमें ये फोर्थ क्वाड्रेंट में आ गया ना, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव होता है। चलो ठीक, हाँ पूछिए। क्या हुआ बोलिए, क्या किसी को कुछ पूछना है? चलिए नहीं पूछना है तो आगे बढ़ता हूं। और कुछ और जो आपके मन में चल रहा है? ठीक है, यानी आप कैसा भी ग्राफ आप प्लॉट करने के काबिल हो गए हो, कैसा भी ग्राफ प्लॉट कर सकते हो, कैसा भी ग्राफ, बस आप डिफिनेशन को पकड़ लो, देखो कैसे वो हो रहा है, क्योंकि आपको अब मॉडुलस का भी डिफिनेशन पता हो गया, ग्रेटेस्ट इंटीजर का भी डिफिनेशन पता हो गया, और इनइक्वालिटी आपको सॉल्व करने आता ही है, तो रह क्या गया, इसके बाद कुछ भी नहीं रह गया, और इसमें डिफरेंशिएशन वाला कॉन्सेप्ट अप्लाई नहीं होगा, क्योंकि फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है ना, और कांस्टेंट टाइप का वैल्यू फिक्स हो रही है ना, तो ये अलग टाइप का ग्राफ है, उससे कंपेयर मत कीजिएगा, हम उसी की हेल्प से जब प्लॉट कर रहे हैं, मैं उसकी हेल्प से भी प्लॉट कर दूंगा, मैं इतना तामझाम नहीं करता, मैं डायरेक्ट प्लॉट कर देता, देखो कैसे। आपको मैं यही दिया था ना, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ सबको मालूम है, ऐसा होता है, ये सबको मालूम है, ठीक है। अब देखिए तो ये वन कहां से कहां तक हो रहा है, यहां तक और यहां तक, वन से वन के जीरो से वन के बीच में, जीरो से वन के बीच में यहां हो रहा है इस वैल्यू के लिए, फिर ग्रेटर देन वन इसके लिए हो रहा है, यानी यह एग्जैक्ट इंटीजर कब देगा, या हमेशा दो कंजुगेटिव इंटीजर में ब्रेक कर हो रहा है, तो मुझे ये बताइए कि एक्स की किस वैल्यू के लिए यह एग्जैक्ट इंटीजर होगा, रूट टू के लिए ना, तो रूट टू यानी यह कब इंटीजर हो रहा है वो चेक करना है, ना कि एक्स की इंटीग्रल वैल्यू पुट करना है, यह एक्स की किस वैल्यू के लिए इंटीजर हो रहा है, यानी हमें यह चेक करना है, ये नहीं कि आपको मैं रटा दिया हूं कि ग्रेटेस्ट इंटीजर दो कंजुगेटिव इंटीजर के बीच में ब्रेक होता है, आपने सीखा सही है, लेकिन वो एक्स के लिए होता है, लेकिन यहां पर एक्स नहीं है, एक्स स्क्वायर है,
पिछले क्वेश्चन में x नहीं था, साइन x था, तो हमें साइन x को यदि हम कैपिटल x से रिप्लेस कर दे, तब आप कैपिटल x को दो कंजुगेटिव इंटीजर के बीच में ले सकते हैं, जैसे कि मैंने लिया था, और यहां से हमने x निकाला, और जो x आएगा वही लिखेंगे। अब ये मत सोचने लगिएगा कि अरे यार ये तो x की वैल्यू दो कंजुगेटिव इंटीजर के बीच में आया ही नहीं, हम यहीं से यहां आए हैं ना, तो जो आएगा वही हम लिखेंगे ना। कईयों के मन में ऐसा चलता है, इसलिए मैं बतला रहा हूं, ऐसा चलता है कि x तो दो कंजुगेटिव, यहां तो पाई टू पाई आ गया, अब क्या करें। तो भाई जो बाबू जो क्वेश्चंस कर रहा था अकॉर्डिंग टू डिफिनेशन ही तो मैं ये लिखा हूं, जो आपके दिमाग में चल रहा है वही चीज में लिखा हूं, बस मैं एक स्टेप आगे आ गया। तो ये हो गया। तो अब देखिए, खैर इसको बतलाने की मुझे जरूरत नहीं है, फिर भी बतला दे रहा हूं क्योंकि टाइम की कमी नहीं है। अब आपसे छोटा भाई जेई का, वो आपसे पूछे तो आपसे आना चाहिए ना, क्योंकि वो जेई वाले ऐसा पढ़ते हैं, अब पूछ दिया नहीं आएगा तो अलग ही नौटंकी हो जाएगी घर में, जाकर के मम्मी से शिकायत कर देगा। जैसे मैं बोल देता था, जब भैया मुझे सवाल नहीं बतलाते थे तो मैं बोल देता था कि भैया सवाल नहीं बतला रहे, तो वो है। तो फिर उनको मजबूरी में पढ़ के बतलाना ही पड़ता था, करेंगे क्या, पैसा था नहीं कि कोचिंग पढ़ा जाए। तो मैं काफी बैकग्राउंड नीचे से आया हूँ, लेकिन आज के डेट में सबके पास पैसा है, ठीक है, अभी पैसा नहीं है तो मीन्स मोबाइल भी उसके पास नहीं है, यानी वो क्लास कर ही नहीं सकता है, मोबाइल भी सब कुछ है उसके पास। तो ये हो गया, ठीक है। तब देखिए, तो यह जब यह 0 to 1, यही है ना, 0 to 1 के बीच में रह रहा है ना, x की किस वैल्यू के लिए, यहां से यानी यहां से यहां यह 0 देगा, ओपन होगा। फिर यहां से यहां y, यानी x स्क्वायर है ना, x स्क्वायर 1 से रूट 2 के बीच में x की किस वैल्यू के लिए रह रहा है, 1 से 2 के बीच में, या 1 से 2, या 1 से 2, ये यानी यह कहने का मतलब कि y 1 से 2, y यानी ये वाला y नहीं, ये वाला इसका y, इसका y, इसका वाला वाई x के किस वैल्यू के लिए हो रहा है, चेक कीजिए, तो x की यहां से यहां तक, यानी यहां से यहां के लिए, तो इसके लिए और इसके लिए, तो क्या होगा, यहां से ये होगा, इसके जस्ट पहले इंटीजर यही मिलेगा ना, इस पर जैसे, यानी इस पोर्शन पर आप जैसे ग्रेटेस्ट इंटीजर अप्लाई कीजिएगा, जैसे ही ग्रेटेस्ट इंटीजर अप्लाई कीजिएगा, ये खिसक के कहां आ जाएगा, यहां पर। और यहां पर क्या होगा, यहां पर क्लोज होगा क्योंकि ग्रेट 1 पर 1 देगा, और यहां पर डम्बल ओपन होगा क्योंकि रूट 2 पर ये वापस 2 आ जाएगा, यहां पर आ जाएगा। सेम इसके लिए भी ना, इस पोर्शन पर जैसे आप ग्रेटेस्ट इंटीजर अप्लाई कीजिएगा, जैसे यहां पर ग्रेटेस्ट इंटीजर ला करके डालिएगा, ये कहां आ जाएगा, सीधे यहां पर आ जाएगा, और यहां पर क्या होगा, डम्बल। शॉर्टकट में हो गया, समझ में आया क्या ये? यस सर। अब बाकी लोग जी, चलो ठीक है। यस सर। मेरे पास क्वेश्चन पहले भी था, लेकिन उसको इकट्ठा करने के लिए कोई चाहिए ताकि उसको अरेंज कर दे, क्योंकि हमारा फोकस पढ़ाने पर होता है ना, हम पढ़ाने पर ही काम करते हैं, या क्वेश्चन ही हम ढूंढने में लगा जाते हैं, उसको रीअरेंज करने का टाइम ही नहीं मिलता। तो देखते हैं, कुछ तो करना पड़ेगा उसके लिए। आगे बढ़ता हूं,
इसी सब के लिए इतनी कहानी रची जा रही थी ताकि आप इस चीज को समझ पाओ, यानी सारा तामझाम इसी के लिए हो रहा था, हम इसी के लिए आपको प्रिपेयर करा रहे थे। तो ठीक है आते हैं। देखिए अभी तक आपको मैं यहां से यहां लेकर के गया हूं, ठीक है, अब हमें यहां से वापस यहां आना है। और आप यही कर रहे थे, मैं थोड़ा ग्राफ जल्दी ही कर दिया, चलो ठीक है एक बार और कर लेना आप। तो अब देखिए, अब आपको कुछ ऐसा देगा, डायरेक्ट ऐसा देगा, यानी पहले में क्या कर रहा था, ऐसे कर रहा था, यहां से बाहर आ रहा था, ठीक है, यहां से मैं बाहर आ रहा था एक्स पर कंडीशन लगा करके, अब मैं ऑलरेडी बाहर आ गया। अब मैं आपसे पूछ रहा हूं कि एक्स की क्या वैल्यू होगी ताकि जीरो मिले, यानी उल्टा सोचना है। हाँ बोलिए, क्लोज इंटरवल जीरो से वन। अब हम बाहर निकलना, यानी अब हमें, यानी पहले हमारे पास क्या था कि हम खुद से डिसाइड कर रहे थे कि जीरो कब होगा, हम खुद से डिसाइड कर रहे थे। अब यहां पर दे रखा है कि मैं बाबू जीरो हूं, मैं जीरो हूं, तो बतलाओ मैं क्या 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 आप मुझे चूज कीजिएगा कि मैं जीरो निकल गया हूं। तो यहां से एक्स क्या होगा, एक्स की वैल्यू क्या होगा, एक्स की वैल्यू जीरो कब होगा, यानी जो भी यहां पर इंटीजर आएगा वहां से स्टार्ट करना है और एक इंटीजर आगे तक जाना है, और वहां पे स्ट्रिक्टली होगा, क्यों होगा, जैसे आप यहां पर क्लोज लगाइएगा ग्रेटेस्ट इंटीजर वन की वैल्यू वन हो जाएगी, और जबकि हमें आउटपुट क्या चाहिए, जीरो चाहिए, हो गया, यानी वही सारी चीजें, बस लिखने का वे बदल गया, समझाने का वे बदल गया, बाकी सब कुछ वही है। अब कोई यहां पर ये करे, मैं पहले आप थोड़ा फ्लैशबैक में जाइए, मैं आपको कैसे समझा रहा था, पहले मैं आपको ऐसे समझा रहा था कि ये बतलाइए कि जब x की वैल्यू माइनस वन से जीरो के बीच में होगा तो इसकी वैल्यू क्या होगी, तो आप पटाख से बोलते थे कि माइनस वन होगी। अब मैं उल्टा कर रहा हूं, मैं अब पूछने का तरीका बदल दिया, क्या मैं पूछ रहा हूं कि इसकी वैल्यू माइनस वन है तो अब बतलाइए कि एक्स क्या होगा। मैं पहले एक्स दे रहा था तब ये पूछ रहा था, अब मैं ये दे दिया हूं आपसे एक्स पूछ रहा हूं कि अब मुझे बतलाइए कि एक्स क्या होगा, तो इसके लिए एक्स क्या होगा। तो अब आपको अपना कॉमन थोड़ा दिमाग सोचना होगा कि यार इसकी वैल्यू माइनस वन के बीच में है, सॉरी इसकी वैल्यू माइनस वन है, यानी हम एक्स को क्या चूज करेंगे, और आपको डिफिनीशन पता है कि यह दो कंजुगेटिव इंटीजर के बीच में इंटीजर फिक्स करता है और जस्ट पहले वाला इंटीजर होता है, यानी आप तो ये श्योर हो गए ना कि इसके पीछे ये तो रहेगा ही रहेगा, इसकी गारंटी है, क्योंकि जस्ट पहले इंटीजर, जस्ट पहले इंटीजर, तो जस्ट पहले, यानी आप इसमें ग्रेटेस्ट इंटीजर लगाइएगा तो जस्ट इंटीजर माइनस वन ही मिलना चाहिए, जो कि मिल रहा है, मैंने लगा दिया, यानी इसके सपोर्ट के लिए यह मैंने लगा दिया। अब इसका हमें आगे का सोचना है, तब आगे क्या सोचिएगा कि अच्छा इसकी इसकी वैल्यू दो कंजुगेटिव इंटीजर के बीच में फिक्स होती है, मींस यह इसके जस्ट बाद वाला इंटीजर क्या आएगा, जीरो आएगा। अब बात आती है कि जीरो पर ओपन होगा कि क्लोज होगा, तो आप खुद लॉजिक लगा करके सोचिए, याद मत कीजिए कि आपने क्या पढ़ा उसको रट्टा नहीं मारना है, जो आपने वहां से अपना कंसेप्ट को डेवलप किया है, जो अपना अपनी अंडरस्टैंडिंग आपने डेवलप किया है, उसके हेल्प से, उसके रिफरेंस से इसको इसको सोचना है और कनेक्ट करना है। तो बाय लॉजिकली सोच लीजिए ना, आपके दिमाग में आ रहा जीरो, चलो यहां जीरो पुट करके देखिए, क्या जीरो पुट करने से आउटपुट माइनस वन आ रहा है, नहीं आ रहा है, दैट मींस कि माइनस वन, सॉरी यहां पर इक्वालिटी नहीं होगा। पहले कुल चलना आसान था ना, यानी वन से हंड्रेड काउंट करना इजी है, हंड्रेड से वन आना थोड़ा सा टाइम लगता है, थोड़ा सा, भले ही दस सेकेंड का गैप हो लेकिन गैप जरूर होगा। तो उम्मीद करता हूं कि आप समझ गए, ऐसे ही मैं इन जनरल बात करूं, जब n इंटीजर है, n बिलोंग्स टू इंटीजर, तो x की क्या वैल्यू होगी,
जस्ट यानी दो कंजुगेटिव इंटीजर के बीच में इसकी वैल्यू फिक्स है। देखिए तो वही हो रहा है ना, माइनस वन से माइनस, माइनस वन से माइनस वन प्लस जीरो यानी जीरो, जीरो से जीरो प्लस वन यानी वन, तो ये लिख दिया। फिर आगे अब एक्स की क्या वैल्यू होगी? फाइव। हाँ इम्पटिस है, नो 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 सच वैल्यू एक्स, यानी क्योंकि डिफिनीशन ही तो ये कंट्राडिक्ट कर दिया ना, गलत कर दिया, कंट्राडिक्ट हम थोड़े कहेंगे, ये तो गलत हो गया ना कि इसकी वैल्यू वन बाई टू, ये तो सरासर गलत है क्योंकि इसकी वैल्यू हमेशा इंटीजर होता है, हमेशा इंटीजर होता है, हमेशा, यह कभी हो ही नहीं सकता है, तो यह गलत है यानी नो सच। आउटपुट इसका हमेशा क्या होता है? इंटीजर होता है। लिख लीजिए, तो ये होगी छोटी छोटी बातें, और थोड़ा आगे की तरफ प्रोसीड करते हैं। फाइंड एक्स, एक्स को फाइंड आउट करना है, कीजिए। अभी सबके सब ग्रेटेस्ट इंटीजर है, लिखना मेरे लिए जरूरी नहीं है क्योंकि वो वही चल ही रहा है, इसको अलग से डिफाइन करने की जरूरत नहीं है। मेडिटेशन, मेडिटेशन से बहुत फायदा मिलता है, ठीक है ना, माने मैं वो तब करता हूँ जब मैं अशांत रहता हूँ, ठीक है। तो एक्चुअली मैं अभी आप लोगों पर फोकस हूँ ना, तो मेरा फोकस कहीं ना कहीं है, तो एक्चुअली मैं फोकस बनाने के लिए करता हूँ। जब मेरा फोकस बिल्कुल बिगड़ता है, चीज़ें अनबैलेंस होने लगती है, तो फोकस बनाने के लिए मैं मेडिटेशन करने लगता हूँ, ठीक है, उससे फोकस बन जाता है। एक दो घंटे में, एक दो दिन लगातार करूँगा, या लगातार एक दिन भी आधे घंटे डेढ़ घंटे कर लूँगा ना, तो उसे फोकस बन जाता है। तो वो फोकस बनाने के लिए सबसे सही तरीका, आपका मन भी शांत रहेगा और अंदर के जो हृदय के अंदर जो अच्छाई और बुराइयाँ चलती रहेगी, चलती रहती है, हमेशा अच्छाइयों का, अच्छाइयों का जीत होते रहेगा, यानी आपके अंदर कभी कोई विचार आएगा ही नहीं। हुआ किसी से ये सर, माइनस टू ओपन टू माइनस वन, क्लोज वन, ये बोल रहे हैं आप माइनस टू पे ओपन है, माइनस वन में क्लोज, माइनस टू पे ओपन, ठीक। फिर यूनियन वन पे क्लोज टू पे ओपन, क्लोज, यस, ये ठीक। कोई ये बतलाइए, देखिए अब कंसेप्ट मिक्स हो रहा है ना,
तो आपको एक्स्ट्रा यार ये तो मैंने सीखा ही नहीं है, आप सब कुछ सीख चुके हैं, बस आप उसको वाई से रिप्लेस करना सीखिए, देखिए आपसे सब होगा। जैसे मैं यहाँ इसकी बात कर रहा हूँ, मैं यहीं से स्टार्ट करता हूँ, ठीक है ना। आप याद दिलाना कि क्वेश्चंस क्या था, माना कि हमें ये नहीं आता है, मैं एक्सेप्ट कर लिया कि नहीं आता है, ठीक है, लेकिन यह तो हमें आता है ना, ये आप कैसे नहीं एक्सेप्ट करोगे, करना ही है, ये हमें आता है। जहां पर y इक्वल टू क्या हमने मान लिया, मॉड x, और अभी अभी आपने ये ब्रेक किया ना, अभी अभी आपने ये ब्रेक किया ना, देखिए तो कहां था, नहीं दिया कोई बात नहीं, वन यहां कर देना, अभी अभी ये मैंने ब्रेक किया, इसकी वैल्यू कहां से कहां तक होगी, इसके बीच में वन से स्टार्ट करना है, यानी दो कॉमन सेंस लगाइए, या रियल लाइन यार, इसका आउटकम आउटकम वन चाहिए, तो इधर जाएंगे कि इधर जाएंगे, इधर जाएंगे तो जीरो मिल जाएगा, यानी अभी इधर जाना है, जाएंगे तो कहां तक जाएंगे यार, टू तक जाएंगे, क्योंकि टू और टू पर इक्वालिटी होगा क्या, नहीं होगा, टू को लगाएंगे तो टू हो जाएगा, हो गया, खुद से बात की, खुद से भी सॉल्व कर लिया, यानी क्वेश्चन भी मेरा, जवाब भी मेरा, तो यहां से क्या हो जाएगा, अब आपने y को क्या मान रखा है, अब उसकी बारी आएगी, अब पुट कर दीजिए, और ऐसा इनइक्वालिटी में सॉल्व करने सिखाया हो ना, जाकर के देखना आप, बेसिक लेक्चर को 2 के स्पीड में कंप्लीट कर सकते हो, क्योंकि मैं बहुत तेज नहीं पढ़ाया हूं, और मैं ऐसा नहीं कि बोलता हूँ, आप मेरे 1 के भी 2 के स्पीड में भी देखोगे ना, तो लगेगा कि नॉर्मल ही है, ठीक है ना, तो आप उसको कंप्लीट कर सकते हो। हाँ, जहां पर आपको लगे कि आप स्लो हो सकते हो, तो वहां नॉर्मल स्पीड कर लेना, करना क्या है, अब इसको आप सॉल्व कीजिए, इस तरह के क्वेश्चंस को मैं सॉल्व करने डायरेक्ट बतलाया था ना, इसको क्या लिख सकते हो आप, इसका मैं फॉर्मूला लिखाया था ना, और रीजन भी दिया था कि ऐसा क्यों लिखते हैं, मैं सब कुछ एक्सप्लेन किया, तो मैं डायरेक्ट लिखता हूं, तो जब ऐसा होता है, जब भी ऐसा केस हो, जब भी ऐसा आपको दिखे, तो आप लिखिएगा x लेस देन माइनस वन और x ग्रेटर देन वन, इक्वालिटी है, हाँ इक्वालिटी है, तो इक्वालिटी दे दीजिए, क्योंकि हमें x की वैसी वैल्यू चाहिए जिस पे यदि मैं मॉड अप्लाई करूं तो 1 से ग्रेटर मिले, तो पहली चीज कि x यदि 1 से ग्रेटर हो गया तो ऑब्वियसली ना कि यह 1 से ग्रेटर होगा, इसमें कोई डाउट नहीं। बच्चों को थोड़ा दिक्कत यहां पर होती है कि लेस देन माइनस 1 कैसे हुआ, तो भाई ये मुझे बतलाइए, यहां पर जब यहां पर माइनस 2 का मॉड लीजिएगा तो वो प्लस हो जाएगा ना मॉडुलस साइन के चलते, यानी यह भी तो सेटिस्फाई कर रहा है ना इस कंडीशन को, तो जब सेटिस्फाई कर रहा है तो यह क्यों नहीं होगा, होगा ही होगा, इसलिए मैंने लिख रखा, और बीच में एंड है, एंड एंड यहां पर एंड करके क्या लिखना है, मॉड एक्स लेस देन 2, यानी यह जब होता है मॉड एक्स लेस देन है तो एक्स की वैल्यू माइनस ए से 1 होती है, यानी ए की जगह पर 2 है, अब चेक करेंगे इक्वालिटी है नहीं है, तो यहां भी नहीं लगाएंगे, तो चूंकि मैंने एंड लिख रखा है ना तो दोनों का इंटरसेक्शन है। देखो यह मैंने क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन में ब्रेक किया था ग्राफ को प्लॉट करने के लिए, इसके जस्ट पहले, यह कह रहे महाशय जी कि इसके बीच में रही है, ठीक है, बट ये बोल रहा है कि नहीं आप इधर आइए और आप इधर जाइए, तो दोनों में इंटरसेक्शन क्या है, ये तो यही आंसर है, लिख लीजिए x बिलोंग टू, चेक कर लीजिएगा ओपन क्लोज कहां है, माइनस 2 पर ओपन है, माइनस 1 पर क्लोज है, 1 पर
क्लोज है और टू पर ओपन है, हो गया। उम्मीद करता हूं कि अब समझ में आया होगा, लिख लीजिए। फिर भी यदि किसी को डाउट है तो वो पूछ सकता है। अब आप लोगों से हो जाएगा ना? यदि कोई नहीं लिखा हो तो बोलना, मैं पीछे हो जाऊंगा। एक क्वेश्चन शायद ये था, अब मोड के अंदर क्या है? ग्रेटेस्ट इंटीजर है, तो हम पहले मोड को ब्रेक करेंगे ना। तो यहां से क्या करेंगे, काम करते हैं, इसको वाई ले लेता हूं। मैं ऐसा करने सिखाया हूं, जहां पर वाई इक्वल टू क्या हो गया, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स हो गया। अब ये अभी अभी ब्रेक किया, जब मॉड एक्स इक्वल टू वन होता है तो एक्स की वैल्यू या तो प्लस होगा या फिर माइनस, यानी वाई इक्वल टू माइनस वन और वाई इक्वल टू प्लस। वाई अपने क्या ले रखा है, गेट का क्वेश्चन आया हुआ है, एक बेसिक प्रोबेबिलिटी का। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ समथिंग इक्वल टू समथिंग, अब यही ना ब्रेक करना है, तो प्रोबेबिलिटी कहां से निकलेगा? और यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन, ज्यादा टफ भी नहीं है, सिंपल यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन। तो ये हो गया, क्या होगा एक्स की वैल्यू, सही है ना? हाँ, yes, sir. यहां पर क्या होगा, वन से लेकर के टू तक, सही है? हाँ सही है। अब देखिए बीच में और है ना, तो और का मतलब यूनियन होता है, तो यूनियन कर दीजिए। क्वेश्चन बाय डेफिनेशन सॉल्व हो रहा है, प्रॉब्लम तब आ रही है जब हम डायरेक्ट सोच रहे हैं या आप डायरेक्ट सोचने की कोशिश कर रहे हैं। यदि आप वन बाय वन सोचिए, स्टेप बाय स्टेप सोचिए, तो प्रॉब्लम नहीं आ रही, स्मूथली क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है। क्या था, शायद ग्रेटेस्ट इंटीजर x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1 इक्वल टू 1 था, शायद यही था। ठीक, अब तो आप कर लोगे ना, y ले लीजिए, तो अब मैं डायरेक्ट लिख दूं, समझ में आया? यस सर। चलो नाइस, अब इसको ब्रेक कर लेंगे, क्वाड्रेटिक आ गया ना, तो फिर से इसको n से ब्रेक कर लेंगे। और इस केस में देखो, मॉडुलस के केस में हम एक साइड जीरो नहीं बना रहे थे,
मॉड्यूलस के केस में एक्स आई जीरो नहीं बनाना है, किस केस में बनाना है, सिंपल पॉलीनोमियल के केस में, तो मैं एक्स आई जीरो बना रहा हूं, ये वन वन कैंसल आउट हो जाएगा, और ये ग्रेटर देन, देखो ग्रेटर देन जीरो करने का मतलब देखिए फेस इसके तरफ था ना, अभी भी फेस इसी के तरफ है, मैंने इसी चीज को इधर लिख दिया, इसको वन बाई वन करके नहीं लाया, इसको पलट दिया, ऐसे पलट दिया, ठीक है। अब आप इसको सॉल्व कर लीजिए, यह जीरो कहां पर हो रहा है, जीरो और थ्री पर होगा ना, तो इसका सोल्यूशन यानी आप इसको ऐसे लिख सकते हो, यह कैसे ब्रेक होगा चेक कीजिए, शायद ये ब्रेक सिंपल नहीं मिलेगा ना, रेशनल इरेशनल रूट नहीं मिलेगा, यानी इसका फैक्टर नहीं कर पाओगे, तब क्या करोगे, वो टेंथ क्लास वाला फॉर्मूला अप्लाई कर दीजिए, इस क्वाड्रेटिक का जीरोज निकालना है, क्योंकि जीरोज के अबाउट ही तो आप ब्रेक कर रहे हो एक्स की वैल्यूज को, तो यार इसका पहले जीरो चाहिए, तो जीरोज कहाँ कहाँ होगा, तो माइनस थ्री यानी माइनस माइनस प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर यानी नाइन माइनस माइनस प्लस फोर अपॉन टू, सही है ना। अब इसमें लेस नंबर क्या है, थ्री माइनस वाला है, और ये सॉरी ये इसके बीच में है ना, हाँ सही तो बोल रहा हूँ, जब इसके बीच में है तो लेस से यानी थ्री माइनस अंडर रूट थर्टीन अपॉन टू से एक्स लेस देन थ्री प्लस अंडर रूट थर्टीन अपॉन टू, इक्वालिटी नहीं है तो मैं इक्वालिटी नहीं दे रहा हूं, यह समझ में आया ना, वही चीज है, आप इसको फैक्टर के भी टर्म में लिख दीजिए, एक्स इंटू ए सॉरी एक्स माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी के टर्म में लिख दीजिए, x माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी, जहां पर a ये है और b ये है, अब बीच में एंड है तो दोनों का आप क्या ले लिया, हाँ इसको आप क्या लिख सकते हो, अभी अभी मैंने बतलाया था इन जनरल कि छोटे से छोटा यानी लेसर x लेसर देन लेस नंबर लिस्ट नंबर, तो यहां पर लिस्ट क्या है जीरो है, और x ग्रेटर देन ग्रेटेस्ट नंबर क्या है थ्री, इक्वालिटी है, मैंने इक्वालिटी दे दिया। अब सेट ए आ गया हमारे पास, सेट बी आ गया, अब इन दोनों सेट का हम इंटरसेक्शन ले लेंगे, तो आप यहाँ पे इंटरसेक्शन ले लीजिए, तो यह निगेटिव नंबर होगा, आप चेक कर लीजिएगा, जीरो कहीं पर आएगा, फिर थ्री और कौन ग्रेटर है, थ्री फाइव से सिक्स से ज्यादा होगा ना, हाँ थ्री ये होगा। अब लाइन प्लॉट करके इंटरसेक्शन ले लीजिए, ये कह रहे हैं वहां से जी कि हमारे बीच में रही है, लेकिन यह बोल रहे हैं कि नहीं आप इधर आइए और आप इधर जाइए, तो दोनों के बीच का कॉमन यानी आंसर क्या हो जाएगा, x बिलोंग्स टू क्या ओपन है तो थ्री माइनस अंडर थर्टीन अपॉन टू जीरो पर क्लोज, यूनियन 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 थ्री है ना, थ्री पर क्लोज है, चेक कर लीजिएगा थ्री से थ्री प्लस अंडर थर्टीन अपॉन टू। अब उम्मीद करता हूं कि आपके अंदर कॉन्फिडेंस आ गया होगा इस चीज को लेकर के, तब मैं कुछ क्वेश्चन देता हूं, आप प्रैक्टिस कीजिए, उसको अगले क्लास में डिस्कशन करा करके मैं ग्रेटेस्ट इंटीजर का इनइक्वालिटी स्टार्ट करूंगा। सर x लेस देन इक्वल्स टू 0 क्यों होगा, कहां पर, ये 0 पर लेफ्ट साइड में नीचे, लेफ्ट साइड में नीचे, लेफ्ट साइड में नीचे, यहां पर x इनटू है ना, x माइनस 0 लिख सकते हो ना आप इसको, ये 0 कहां कहां देगा, 0 आपको दिख गया, हाँ सर, तो ये इसी के टाइप का है ना, यदि आप इन जनरलाइज कीजिए तो, ये भी समझ में आया था ना, हाँ सर, तो ये क्या मैं लिखा था, x लेस देन लेसर नंबर और x ग्रेटर देन ग्रेटेस्ट नंबर, यही लिखा था। अब a यहाँ पर क्या है, जीरो है ना, कंपेयर कीजिए तो दोनों को, क्लियर है,
सर ये आप नंबर लाइन का यूज कर लो, दिक्कत हो रही है। ये जीरो कहाँ कहाँ हो रहा है, जीरो और थ्री पर, तो दोनों को लिख लीजिए। अब साइन चेक करना है ना x की किस वैल्यू, क्यों हमें x चाहिए, तो अब इसके इंटरवल का कोई भी नंबर 4 पुट कीजिए। तो जब हम यहाँ 4 पुट कर रहे हैं तो यहाँ प्लस हो रहा है, माइनस हो रहा है, प्लस हो रहा है। हमें क्या चाहिए, x की वैसी वैल्यू चाहिए जिसके लिए प्लस हो जाए, तो ये पॉजिटिव हो जाए, तो इधर मिल रहा है और इधर मिल रहा है। तो x की कौन सी वैल्यू मिल रही है, ये और ये मिल रहा है। और मैं यही लिखा हूँ ना, ध्यान से देखिए, तो क्लियर हो गया। चलिए और किसी को कुछ पूछना है, तो अब आपको मैं कुछ क्वेश्चन दे रहा हूं, आप उसको ट्राई कीजिएगा। आप पहले आराम से लिख लीजिए, कोई जल्दी नहीं है। देखो मैं लिखने के लिए टाइम दे रहा हूं, तो आप ऐसा नहीं कि आप साथ साथ लिखते जाना। जब मैं चीजों को समझा रहा हूं तो आप पहले उसको अच्छे से समझ लीजिए, देन लिखिए, क्योंकि हमारे पास टाइम ही टाइम है। आप बहुत पहले आए हो, और टाइम उनको नहीं दिया जाता है जो लेट आते हैं, ठीक है, या लेट बैच स्टार्ट होती है। जो जून जुलाई में स्टार्ट होगी उसको उतना टाइम नहीं दिया जाएगा, लेकिन आपके पास टाइम है। तो लिख लीजिए क्वेश्चंस, करके आइएगा खुद से। इतना काफी है।